नमस्कार, लक्ष्मी होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुदीने और नींबू की शिकंजी। ये गर्मियों के लिए फ़ायदेमंद होती है और इसके साथ साथ हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है। तो चलिए बनाते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। इसके लिए मैंने एक नींबू के रस को ले लिया है, एक टीस्पून भुना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, 5-6 टेबल स्पून चीनी, एक कटोरी पुदीने के ताज़े पत्ते, इनको धोकर साफ़ करके ले लिया है। अब एक मिक्सर जार में हम सबसे पहले पुदीने के पत्ते डाल देते हैं, चीनी को डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नींबू के रस डाल देंगे, नमक डाल देंगे, भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। साबुत जीरे को हम तवे पे थोड़ा सा सेक कर उसे पीस लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डालकर इस पर ढक्कन लगाकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने इसको पीस लिया है, अब हम इसे गिलास में सर्व कर लेते हैं। दोनों गिलास में हम थोड़ा थोड़ा शिकंजी डाल देंगे। अब इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद हो तो इसमें आइस क्यूब डालकर भी आप इसे पी सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पुदीने के पत्तों के साथ सर्व कर लेंगे और इसमें एक एक स्लाइस नींबू की डाल देंगे ताकि इसमें ताजगी बनी रहे। अब एक एक स्लाइस गिलास के कोने पे लगा देते हैं जिससे कि बिल्कुल दिखने में मार्केट वाला लुक आए और हमें बाज़ार वाला स्वाद घर पर ही मिल जाएगा। हमारी शिकंजी बनकर तैयार है, आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।